नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे केले की बहुत ही टेस्टी सब्जी लेकर आई हूँ, तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केला को छील लेंगे। इस सब्जी को बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। केला को छील कर फ्रेंड्स पानी में डालेंगे, नहीं तो केला काला पड़ जाएगा। इसी तरह से सारे केले को छील कर हम पानी में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे केले को छील कर पानी में डाल दिया है और केले को बीच में से दो टुकड़ा कर लिया है। अब केले को थोड़ी देर के लिए उबाल देंगे। पानी गर्म हो गई है, पानी में डाल देंगे केला। केले को हमें ज्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना है, बस 2-4 मिनट के लिए बॉईल कर लें। यहाँ केले को उबलते हुए 3-4 मिनट हो गई है। अब हम केले को निकाल लेंगे। मैंने यहाँ केले को स्टेनर में निकाल लिया है। अब एक बाउल में लेंगे 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस सूखे मसाले में केले को डाल देंगे और केले को कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से हिलाते हुए केले को मसालों में कोट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ की मदद से भी कोटिंग कर सकते हैं। यदि केले में मसाले अच्छी तरह से कोट ना हो रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी डालकर कोट कर लें। अब पैन में लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। हम बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे, कम ही तेल का यूज करेंगे। केला को तलेंगे नहीं, केला को सेल्फ फ्राई कर लेंगे। केला में मसाला अच्छी तरह से कोट हो गई है और इधर तेल भी गर्म हो गया है। अब हम केला को तेल में डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। जब तक केला उधर फ्राई हो रही है फ्रेंड्स, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर देंगे। मसाले में मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक, एक हरी मिर्च और 8-10 काजू। इन सारे मसालों का फाइन पेस्ट तैयार कर देंगे। केला भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो गई है। अब हम केला को निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में डालेंगे 2 तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे पचफोरन। खड़े मसाले अच्छी तरह से भून गई है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने वही पेस्ट डाल दिया है जिसे हमने बनाया था। मसालों को मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक मसालों से ऑयल छोड़ना शुरू नहीं हो जाएगा तब तक हम मसालों को भूनेंगे। मसालों से तेल छोड़ना शुरू हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भून गई है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए केला। आप चाहे तो फ्रेंड्स केला को ऐसे पूरा भी डाल सकते हैं, मैं बीच में से कट लगा के डालूंगी। देखिए केला बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। पसंद का कोई भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। डाल देते हैं केला। केला को भी 1-2 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। इसकी सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार इस तरीके से कच्चे केले की सब्जी जरूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आप सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। मैंने यहाँ केला को मसालों के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आपको जितना ग्रेवी रखना हो आप उस हिसाब से पानी डालें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने केला का सारा पानी सुखा दिया है। जो केला की सूखी वाली सब्जी बनानी है इसलिए मैंने केला का सारा पानी सुखा दिया है। आप चाहे तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, सब्जी बनकर तैयार है। मैं आप सबको सर्व करके दिखाती हूँ। तो
लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी केला की सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। ये सब्जी खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सभी सब्जियों को ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं और सूखा भी बना सकते हैं। ग्रेवी वाला बनाने से भी ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सब मुझे कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स एक और रेसिपी के साथ।